गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। ये देखिए बेल, बेल का शरबत। ये देखिए बेल है, बेल ऐसे होता है। इसको हम फोड़ेंगे, इसके बाद इसका जो गूदा होगा ना उसको निकालेंगे। और ये देखिए आशु ने फोड़ दिया। अब इसको चम्मच से निकालेंगे, चम्मच से बहुत अच्छा देखिए लेके बैठे हुए हैं। सुबह का टाइम है, नहा वहा के अब हम इसको निकालेंगे गूदे को। गर्मियों के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत अच्छा होता है, ठंडा भी करता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये देखिए हमने इसे थोड़े से पानी में घोल लिया है। और इसका जो अंदर का होता है बीज उज वो हमने निकाल लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे निकालिएगा इसका बीज। हाँ, ऐसे जो होते हैं जो गूदा उसमें बीज दीजिए तो उसमें पानी में मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, और उसमें बचेगा बीज, जो गल बीज और सब जो उसके गूजा उजा होते हैं, मतलब रेसे, बीज और रेसा बचेगा, उसको आप हाथ से निकाल लीजिए। और इसके बाद देखिए हम निकाल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे रखते हैं। और भी जो होगा हाथ से निकालेंगे, और जो हाथ से नहीं निकलेगा ना फ्रेंड्स उसको हम छन्नी से छानेंगे, वो भी छोटी छन्नी से नहीं, बड़ी छन्नी से। वही फ्रेंड्स देखिए, और देख ज्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा पानी डाल के इसको घोलिएगा। देखिए अभी और बचा हुआ तो इसको भी निकाल लेंगे, पहले हाथ से निकालिए, इसके बाद जो एक आध बीज उज हो तो उसको बड़ी वाली छन्नी से, बेल की शरबत की एक बड़ी छन्नी आती है फ्रेंड, उसको आप लोग ले लीजिए और फिर उसको छानिए। ये फ्रेंड देखिए कलर इसका कैसा लग रहा है, बेल का अच्छा लग रहा है ना, हमको तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। अभी फ्रेंड्स हमने इसमें गुड़ नहीं डाला है, छान लेंगे। देखिए ये देखिए छन्नी से आप लोग छान लीजिए, और छानने के बाद देखिए इसमें इतना इसमें फिर निकला है। इसमें जो गूदा होता है वो तो पानी में मिक्स हो जाता है, लेकिन जो बीज होते हैं या रेसे होते हैं वो नहीं मिक्स होते हैं, तो उसको हाथ से और फिर छन्नी से ऐसे छानना पड़ता है। ऐसे आप लोग भी करिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इसके बाद देखिए छान के हमने गिलास में कर लिया। इसमें हमने गुड़ मिलाया है, नमक और नींबू, आप लोग भी मिलाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स आपको आज हम बताते हैं कि आज हमारे यहाँ दोपहर में खाना क्या बन रहा है। ये देखिए करेला, भरवा करेला ये आशु उठा रहे हैं, गरम है ना। ये देखिए ये करेला, इस समय गर्मी है ना फ्रेंड्स, तो भरवा करेला और भी जो भरने के लिए होता है बैंगन भरवा है, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बारिश हो जाएगी ना तो नहीं इतना अच्छा लगेगा, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है भरवा करेला और भरवा बैंगन, ये सब चीज़ें मसाले वाली भरवा। आज देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ खाने में क्या बना है, ये भरवा करेला और ये चावल कुकर में बन गया है, और ये देखिए इसमें दाल, और दाल देखिए फ्रेंड्स कैसा है,
आप लोग देखिए कैसे हैं, फ्राई कैसे किया हमने। और ये दूध है, इस दूध को फ्रिज में रखना है क्योंकि गर्म था। तो हमने देखिए खाना मेरा चावल दाल और भरवा करेला। आप लोग कमेंट कर